जस पंजाबी देखते हुए सारे दर्शकों ने मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल तुहाडा स्वागत हेल्थ प्लस विद डायनामिक फिजिकल थेरेपी दे विच एंड ऑफ कोर्स अगर तुसी ये प्रोग्राम वेख रहे हो दैन तुहानू पता है कि ये प्रोग्राम बिल्कुल लाइव तुहाडे नाल पेश कर रहे हैं एंड इस प्रोग्राम दे विच तुहाडे वक वक बॉडी दे जो इशूज़ हन फिजिकल इशूज़ हन उन्होंने तुसी फिजिकल थेरेपी दे नाल किस तरह ट्रीट कर सकते हो इहदी गल होएगी ते ऑफ कोर्स जिथे डायनामिक फिजिकल थेरेपी सर्विसिज की गल आती है ते उन्हां दे करते धरते डॉक्टर नीलेश सोनी सर नाल जुड़े है डॉक्टर सोनी तुहाडा प्रोग्राम दे विच स्वागत सत श्री अकाल गुड टू हैव यू बैक डॉक्टर सोनी डॉक्टर सोनी यू नो आई नो कि इस प्रोग्राम दे विच आपां फिजिकल थैरेपी नूं लै के लोकां नूं वक वक टिप्स ट्रीटमेंट एडवाइस ते ट्रिक्स दसदे हां किस तरह वह अपनी बॉडी नूं जिदा कहिंदे वधिया शेप दे विच रख सकदे हैं तो कुछ इहो जे एलीमेंट्स हन जो सानूं उमर करके या साडे कम कारज करके इनएविटेबल तौर ते अफलिक्ट करदे हैं उन्हां नूं किस तरह तुसीं खास करके तुहाडी क्लिनिक्स जो वक वक न्यूयॉर्क दे विच लोकेशन विच लोकेटेड हन वो किस तरह तुहाडे पेशेंट्स नूं ट्रीट करदे हैं सो यू नो पिछले कुछ हफ्तियां तो बैक पेन की पिठ की गल हो रही है बिकॉज ये एक इहोजा एरिया जिहदे विच लोकां नूं खास करके जिस तरह तुसीं सानूं दस रहे हो सब तो ज़्यादा तुहानूं ट्रीटमेंट करन लई पेशेंट्स मिलते हैं खास करके जिस तरह उन्हां दी उमर वधदी है राइट पिछले हफ्ते आपां कुछ एक्सरसाइजिज शेयर कीतियां तुसीं सानूं बड़े वधिया तरीके नाल दस्या कि बैक दी मतलब कंपोजिशन की हुंदी है तुहाडे पिठ दी ते रीढ़ दी हड्डी विच की चीज़ां हुंदियां जिहदे करके प्रॉब्लम्स क्रिएट हुंदियां किस तरह उन्हां नूं तुसीं ट्रीट कर सकदे हो ते मैं अज इसे चीज़ नूं फिर लैके तुहाडे नाल डिस्कशन करना चाहुंदी हां बिकॉज़ ये टॉपिक इन्ना वड्डा है कि आई थिंक एक एपिसोड दे नाल गल नहीं बनदी सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द एपिसोड एंड की आपां अज गल करना चाहुंदे हां बैक नूं लैके तो जैसे अश्मिता मैं बता रहा था कि बैक पेन बहुत तरीके के होते हैं तो हमने थोड़ी बात की कैसे कौन से तरीके के बैक पेन होते हैं और कैसे उसको यू नो एड्रेस किया जाता है तो आज मैं उसको जरा विजुअलाइज कर उसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो हम समझ सकेंगे कि ऐसी कोई तकलीफ हो बैक में तो हम उसको कैसे एड्रेस करें तो जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड डिफरेंट सिवियरिटीज ऑफ बैक पेन वो जो हर तरह की इंजरी होती है वो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे आप खुद यू नो एंड हाउ वुड यू टेक हेल्प फ्रॉम द डॉक्टर्स सो आई वुड जस्ट डाइव इनटू द यू नो पावर पॉइंट इफ वी हैव एयर वहां से हम हमारे यू नो व्यूअर्स को दिखाएंगे कि कौन से यू नो इंजरी कैसे ट्रीट किया जाए तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज हाँ तो मसल्स यूजुअली स्प्रिंग की तरह होते हैं जैसे ये स्प्रिंग है वैसे मसल्स है उसके दो एंड हड्डियों पर लगे हुए होते हैं और अगर वो जो उनके जो एंड है वो खींच जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है आप जानते हो कि अगर स्प्रिंग को हम ऐसे ही रहने दे उसको हिलाए नहीं तो उस पर जैसे वो रस्ट हो जाता है तो वैसे ही हमारे मसल्स है अगर उसको आप मूव करते रहे यूज करते रहे तो वधिया तरीके से चलते हैं अगर नहीं किया या बहुत ही जोरों से कर दिया दोनों एक्सट्रीम चीज है वो करने से स्प्रिंग में जैसे गड़बड़ हो सकती है वैसे मसल्स में गड़बड़ होती है सो मसल्स आर कंपेरेबल टू स्प्रिंग्स राइट नेक्स्ट प्लीज और दूसरा आपको ये बताना था आपको समझना है कि हमारी जो स्पाइन है जो रीढ़ की हड्डियां है वो एक ही एक जैसे एक डंडे की तरह एक ही शेप में नहीं होती है अगर आप ये जो पिक्चर आपकी स्क्रीन पर है उसको देखते हो तो जो ह्यूमन फिगर है उसके साथ में जो आपको स्पाइन दिखती है वो हम किसी को पीछे से देखते हैं और तभी हमें स्पाइन ऑलमोस्ट एक लाइन में लगती है लेकिन वही अगर वो पर्सन को हम साइड से देखेंगे तो आप देखेंगे कि गर्दन की स्पाइन थोड़ी सी आगे से कर्व है फिर मिडल वाली स्पाइन पीछे से कर्व है और फिर लंबर स्पाइन या लोअर बैक आगे से कर्व्ड है जैसे ये अल्फाबेटिकल एस बनता है तो ऐसे स्पाइन का शेप ऑप्टिमल रखने के लिए हमारे स्पाइन की अलाइनमेंट इस तरह होनी चाहिए अगर वो इसमें नहीं रहकर हमने काम किया और ये अलाइनमेंट से बहुत दूर जाकर हमने काम किया तो भी स्पाइन में प्रॉब्लम हो सकते हैं और इसको अपने जगह रखने के लिए क्या काम करता है तो जो अभी स्प्रिंग्स दिखाई आपको वो मसल्स काम करते हैं नेक्स्ट लास्ट टाइम हम गल कर रहे थे कि अलग अलग टाइप की इंजरीज तो इसको जरा विजुअलाइज करते हैं
जैसे हम सिंपल सी चीज बताते कि स्ट्रेन, स्ट्रेन यानी कि पुलिंग, जो आपके नीचे की स्क्रीन पर है उसमें आपकी मसल्स जो स्प्रिंग है वो हल्के से खींच जाती है, और स्प्रेन जो स्प्रेन जिसमें मसल्स के और स्प्रिंग्स के कुछ पार्ट टूट जाते हैं तो उसको स्प्रेन बोलते हैं। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि स्प्रेन होगा तो आपको उसको हील करने में थोड़ा टाइम लगेगा और उसमें थोड़ी मदद की जरूरत पड़ेगी डॉक्टरों की। अगर पुल होगा, मसल्स पुल जिसको मसल्स स्ट्रेन बोलते हैं, वो शायद थोड़ा आराम और थोड़ा हाउस होल्ड मेजर्स जैसे कि यू नो आइस पैक लगाओ पहले, या रेस्ट कर लो, या आप यू नो जो एग्रेसिव एक्टिविटी करते हो उसको थोड़ा कर्टेल करो तो उससे काम हो सकता है। तो ये स्प्रेन और स्ट्रेन हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, आज जरा विजुअलाइज करते हैं। नेक्स्ट, और डिस्क के बारे में बात करें तो ये आपके जो स्पाइन का स्कीमेटिक्स है वो साइड से दिख रहा है स्पाइन। तो जो ऑरेंज कलर का जैसे चीज जैसा कलर का आपको जो पार्ट है वो हड्डी है, और ग्रे कलर के जो उसके बीच में जो स्ट्रक्चर है वो डिस्क है। तो ऊपर वाले पिक्चर के ऊपर के पार्ट में आप देखते हो कि डिस्क फूल जाती है, उसको बल्जिंग डिस्क बोलते हैं। तो स्पाइन में ऐसे कोई ऐसे एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होती, तो ये फूल जाती है तो वो स्पाइनल स्ट्रक्चर्स को पुश करती है, मींस आपकी नर्व्स को या आपके अदर यू नो लिगामेंट्स को, आपके स्पाइनल स्ट्रक्चर्स को वो डिस्क पुश करती है। और नीचे वाले पार्ट में, तस्वीर के नीचे वाले पार्ट में आप देखते हो हर्नीएटेड डिस्क, उसमें वो डिस्क की दीवार टूटती है और उसमें से डिस्क की जो जेली होती है वो निकल कर आती है, जो आपको यहाँ रेड कर दिखाया हुआ है डायग्राम में। तो ये होने से आपको डेफिनेटली जैसे करंट की तरह पैर में दर्द उतरता है, या आपको शॉक लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है पैर में, वैसे सेंसेशंस आते हैं। तो ये इस कारण से आते हैं क्योंकि हर्नीएटेड डिस्क से जो जेली निकलकर आपके स्पाइन की नर्व्स को हिट करती है, इससे आपको पैर में दर्द आता है। नेक्स्ट, और ये चीज यूजुअली ऑस्टियोपोरोटिक स्पाइन जिसकी हड्डियां जैसे बहुत हॉलो हो जाती है उनको होता है, और कभी ट्रॉमा जैसे कि एक्सीडेंट हुआ या गिरना हुआ उससे स्पाइनल फ्रैक्चर होता है। तो आप देख सकते हो कि जैसे ये जो अगेन वो ऑरेंज कलर का जो स्ट्रक्चर है वो जैसे प्रेस हो गया है आगे से, उसका वो स्क्वायर शेप नहीं रहा है, और ये होने से जिसको बोलते हैं हम कंप्रेशन फ्रैक्चर, ज्यादातर ये इंजरी से होता है। मींस इफ यू आर एजिंग और आपकी एज के कारण आपको ऑस्टियोपीनिया या ऑस्टियोपोरोसिस हुआ हो उससे भी हो सकता है। बट स्पाइनल फ्रैक्चर अगेन इज ए वेरी ग्रेव कंडीशन इफ इट हैपेंस विद ट्रॉमा, आपको ट्रॉमा के साथ हुआ तो डेफिनेटली इट विल इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ पेन एंड लॉट ऑफ इमोबिलिटी, आप मूव नहीं कर सकोगे। और ऑस्टियोपोरोसिस से स्पाइनल फ्रैक्चर हुआ तो वो साइलेंट रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको फ्रैक्चर है। तो अगेन दिस आर कंडीशंस विच आर वेरी सॉरी सर सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ स्पाइनल स्टेबिलिटी, एंड देर आर मेनी ट्रीटमेंट्स फॉर देम। स्पाइनल फ्रैक्चर हुआ तो डेफिनेटली आपको स्पाइन पर डिकम्प्रेशन कैसे करना है वो देखना पड़ेगा, सर्जन की भी जरूरत पड़ सकती है, और कोई केसों में आपको ब्रेसिंग या मींस बाहर से जैसे ब्रेस पहनते हैं वो पहन कर रखना पड़ता है। लॉट ऑफ अदर थिंग्स नीड टू बी डन इफ यू हैव अ स्पाइनल फ्रैक्चर। आई गेस अश्मिता, दिस आर द स्मॉल स्कीमेटिक्स टू डिस्क्राइब डिफरेंट इंजरीज। अभी हम सोच रहे हैं कि दो चीज है कि स्पाइन पेन, ये सब हमने देखा है तरह तरह की इंजरी, लेकिन इसको घर पर रहकर कैसे हम और टैकल कर सकेंगे। तो हमारे व्यूअर्स के साथ हम ये आज शेयर करना चाहते हैं कि जो आप बैठकर काम करते हो, आप इधर लंबे समय तक गाड़ी चलाते हो या आप कंप्यूटर पर काम करते हो, दोनों में बैठना ज्यादा होता है,
डॉक्टर सोनी, आई एम सॉरी, आई डोंट मीन टू कट यू ऑफ, मैं जरूर सुनना चाहती हूँ कि की तुहाडे टिप्स हन, जिस तरह तुसी कह रहे सी खासकर एडवाइस उन्हां लई जो ज़्यादा चेर बह के काम करते हैं, ड्राइवर्स, ट्रांसपोर्टेशन, ऊबर ड्राइवर्स, इस तरह के काम विच इनवॉल्व हैं। बट इतने सानू एक छोटी जी ब्रेक लई रुकना पै रहा, तुसी कितने ना जाओ। व्यूअर्स भी साडे नाल इस तरह जुड़े रहो। तुहाडी फिजिकल थैरेपी नू लैके की टिप्स एंड ट्रिक्स अगर तुसी बह के ज़्यादा काम करते हो, हाजिर करांगे ब्रेक तो उस पार। ब्रेक तो बाद सारा हाजिर है, तुसी वेख रहे हो हेल्थ प्लस डायनामिक फिजिकल थेरेपी सर्विसेज दे। ऑफ कोर्स डॉक्टर नीलेश सोनी साडे नाल जुड़े हैं। डॉक्टर सोनी, वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। तुसी सानू ब्रेक तो पहले दस रहे सी, वंस अगेन यू नो, जो जो पिठ की गल आती है तो वक्त वक्त जो लोगों इस एरिया लैके खास करके रीढ़ की हड्डी पेन होंगी है, दर्द होंगे, ओवर टाइम प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, भावें वह उम्र करके होए या उन्होंने लाइफ स्टाइल करके होए, इस चीज़ को ट्रीट करने लिए सब तो पहले सानू समझना चाहिए कि ये की वक्रे कंपोनेंट्स। सो थैंक यू, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਪਰਿੰਗ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜੈਲੀ ਡੋਨਟ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਫਾਰ ਆਰ ਵਿਊਅਰਸ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਯੂ ਨੋ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਅਨਅਵੋਇਡੇਬਲ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ, ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨਸ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਹੋਣ ਜੋ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਊਬਰ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਸ ਔਰ ਈਵਨ ਆਫਿਸ ਵਰਕਰਸ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 8-10 ਘੰਟੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਰੀਅਲੀ ਅਨਹੈਲਥੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਬੈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ ਨੋ, ਆਈਡੀਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਓਕੇ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਬਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਬੰਦਾ ਮਸੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਦਿਨ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਯੂ ਟੂ ਗਿਵ ਅਸ ਸਮ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਸੁਝਾਵ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਤਦਾ ਹੈ। तो जैसे हम ड्राइवर्स की बात कर ले पहले, कि बन सके तो आपकी जो स्टीयरिंग व्हील है और आपका सीट है उसके बीच ऐसा डिस्टेंस होना चाहिए कि आपकी एल्बो 45 डिग्रीज पर मुड़ी हुई हो। अभी ऐसे डिग्री एंगल आपको याद नहीं रहे तो इतना समझिएगा कि पूरा सीधा हो उसको जीरो डिग्री कहते हैं और राइट एंगल हो 90 डिग्रीज है उसके बीच आपका एल्बो रहना चाहिए, कितने डिस्टेंस पर हाथ रखिएगा। अगर ज्यादा आगे हो गया सीट तो उसका जोर आपकी गर्दन पर पड़ता है और आपकी गर्दन जैसे ज्यादा ऊपर रखनी पड़ती है। अगर दूर रखेंगे आपकी स्टीयरिंग और आपकी बॉडी से तो ये पूरे हाथ का वजन आपकी थोरैकोलंबर स्पाइन के जो जंक्शन है वहां गिरता है। तो ये डिस्टेंस अच्छा रखने के लिए एल्बो सेमी फ्लेक्स मीन 45 डिग्रीज, ना जीरो ना 90 डिग्री, उसके बीच वाला एल्बो रखेंगे तो रहेगा। दूसरा, आपके मिडिल कंसोल और डोर के ऊपर अभी सब कार में, एवरी कार हैज ए सपोर्ट, तो ज्यादा पैसे मत खर्चिएगा, एक टॉवल का रोल लीजिएगा, उस पर जो पेंटर्स टेप होती है वो लगाइएगा और वो रखिएगा, स्पेशली ऑन द डोर साइड। अगर आप लंबी सफर कर रहे हो तो वहां सपोर्ट करने के लिए हैव ए रोल ऑफ टॉवल, जस्ट ए रेगुलर टॉवल आपके घर में जो हो उसको यूज करिए। तीसरा, अभी सब सीट्स नई कार की स्थिति पर बकेट सीट्स विच हैव लाइक ए, वो जो स्पाइन का जो शेप होता है वैसे ही वो सीट का शेप होता है। अगर आप वो पुरानी कार चलाते हो जिसमें वैसा शेप नहीं हो तो आप फिर से लंबर रोल्स कर जैसे CVS या कोई भी फार्मेसी, राइट एड कोई भी फार्मेसी में मिलता है, नहीं हुआ तो फिर से आप अपना वो जो टॉवल जिनमें बात कर रहा हूँ उसको रोल करके आपके बैग के बीच रख सकते हो। ये तीन। चौथा, जब भी देखो आप गाड़ी ड्राइव करते हो तो आपकी ग्रिप है, जो बोलते हैं कि डोंट मेक इट सो हार्ड ऑन द स्टीयरिंग व्हील कि आपका जो जितने रोड्स के खड्डे हैं वो पूरे ट्रांसमिट होकर आपके स्पाइन पर जाए, तो हाउ वुड यू हैंडल इट? नहीं पकड़ना वो सेफ नहीं है और ज्यादा जोर से पकड़ना इट्स नॉट गुड फॉर योर स्पाइन। सो हैव योर ग्रिप विच इज फर्म बट इट इज नॉट टोटली यू नो टर्निंग यू इनटू वाइट नकल्स, सो दैट यू वॉच, बिकॉज हम लोग सोचते रहते हैं कभी कभार यू नो वी आर ऑन द रोड बट आवर ब्रेन्स आर वर्किंग ऑफ द रोड एंड वी डोंट नो हाउ आवर बॉडी इज वर्किंग ऑन इट। तीसरा, अचानक मुड़ना, तो आप गाड़ी से निकलते हो या बैठते हो दोनों के वक्त अगर आपको स्पाइन में ऑलरेडी प्रॉब्लम हो तो आप पहले सीट पर बैठकर फिर पैर अंदर लीजिएगा। अभी वो थोड़ा
थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है क्योंकि मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन गाड़ी में बैठना और गाड़ी से बाहर निकलना, वो आपकी स्पाइन की जो ट्विस्टिंग होती है, अगर आपको स्पाइन में ऑलरेडी प्रॉब्लम है तो वो आप नहीं करिएगा। आप बैठ जाइए पहले कार में, यू बैक अप योरसेल्फ एंड सिट इन द कार सीट एंड देन स्विंग योर लेग्स इन, एंड सेम थिंग यू ब्रिंग योर लेग्स आउट फर्स्ट ऑफ द कार सीट एंड देन स्टैंड अप। तो ये टिप्स हुई जो लोग ड्राइव करते हैं उसके लिए। ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू चेंज योर पॉस्चर। उसमें अगर आप ज्यादा वक्त बैठे रहो तो यू नो इट लीड्स टू क्यूम्युलेटिव प्रेशर। तो जैसे आपने एक राइड की, आप निकलो कार की सीट से बाहर, गाड़ी के इर्द गिर्द चक्कर लगाओ और फिर से बैठ जाइएगा। जी 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 डॉक्टर सोनी, यू नो आई आल्सो वांट, मैं दर्शकों को रिमाइंड कराना चाहती हाँ कि ये जो अपना टिप्स एंड ट्रिक्स एंड अपना कुछ एक्सरसाइजेज भी दिखानी है इस एपिसोड विच व्यूअर्स नू, बट ये सारी चीज़ां एक लोग की तुसी एक स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पर लोगों को पेश कर रहे हो, राइट? अल्टीमेटली हर एक बंदे की कंडीशन यूनीक होंगी है, उन्होंने मेडिकल हिस्ट्री, उन्होंने फिजिकल कोई भी प्रॉब्लम, ये चीज़ बिल्कुल उन्होंने यूनीक होंगी है। तो उन्होंने ऑफकोर्स कोई भी चीज़ करन तो पहले जरूर किसी प्रोफेशनल का ओपीनियन लेना चाहिए, जिस तरह तुसी हैगे एंड तुहाडे नाल क्लिनिक्स भी ओपन हैं, तुहाडी कंसल्टेशन तुसी वर्चुअली भी करते हो, जो आई थिंक कोविड दी हुन सानू एक पॉजिटिव थोड़ा जा दिख रहा है टेलीमेडिसिन। बट ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग की अगर उन्होंने कोई इस तरह की प्रॉब्लम है, सिर्फ वो इन ट्रिप्स टिक्स ट्रिप टिप्स एंड ट्रिक्स नू फेस वैल्यू ते लेन तो पहले दे शुड कंसल्ट अ प्रोफेशनल, खास करके जो साढ़े बुजुर्ग हैं, बिकॉज उन्होंने कितनी सारी चीज़ा इस चीज़ विच इन्वॉल्व होंगे मैटर कर दी हैं। बट डॉक्टर सोनी ऑफकोर्स तुसी ऑलवेज सानू ना कि सिर्फ गाइडेंस दिंदे हो बट गाइडेंस दिखाते भी हो, सो अज मैं चाहवागी तुसी जरूर सानू कुछ एक्चुअल एक्सरसाइजेज स्ट्रैचेज जो लोग एट होम कर सकते ऑन देयर ओन बैक नू लैके। So, हम वो दिखाएंगे, we'll be showing those. And definitely, I agree with you, कि आप ये जो information है, this is what I feel is a tool to empower our viewers. ये information आपको educate करने के लिए हम दे रहे हैं, and I will continue doing that till you feel like you have as much you know information available outside to keep yourself healthy. Obviously, if you have a health condition, we'll be glad to help you. जी जी, so let's look at those exercises जो back नू लाके तुसी at home on your own कर सकते हो, but of course अगर तुहाडी कोई condition है, please किसी professional, medical professional नू, खास करके physical therapist जिस तरह डॉक्टर सोनी किन्ने सालों तो practice कर रहे हैं, जरूर consult करो। Let's look at these videos. मैं तुहानू back दे वास्ते कुछ exercises दिखा रही हैं, जिन्हां चो पहली हैगी है hamstring stretch, इनू कहंदे हैं। ऐसे तुसी थलों दी ढिला छड्डो, लत सीधी रखोगे पहला, ते अपना परना लैके पंजे दे उपर पा के ते उन्हूं उपर खिंचना है तुसी, खिंचो उपर लै जाओ सीधा, उपर लै जा के उन्हूं अपने वल रस्सी नूं खिंचना है ते रोक के रखना है, कुछ सैकेंड रोक के ते फिर तुसी उन्हूं ढिला छड्ड के थले छड्ड देना है। छड्ड दो, जा लैन दो, जा लैन दो, जा लैन दो। ये तुहाडी पहली एक्सरसाइज है। फिर तुसी दूजी एक्सरसाइज करनी है, ऐसी पोजिशन एक गोडा मोड़ के रखना है, पंजा खिंचो अपने वल एंड लत चक के सीधी वो बराबर ले जाओ, इतने जाके दूजे गोडे के बराबर तुसी रोकोगे कुछ सैकेंड, तो कुछ सैकेंड रोक के तुसी उन्हें फिर वापस ढिला थले छड़ देना है। ये तुहाडी दूजी एक्सरसाइज है। फिर तीजी तुसी करनी है, दोनों गोडे मोड़ोगे, दोनों हाथ साइडां ते रखोगे, दोनों हाथ साइडां ते पेट कुटो ते कमर हवा च चको, कमर ऊपर लो, ऊपर लो, ऊपर लो, होल्ड करो, कुछ सेकंड रोक के तुसी उन्हें ढिला छड़ देना। फिर लास्ट एक्सरसाइज तुहाडी बॉल दे नाल, तुसी पैरां थले बॉल नूं रखना है, अड्डियां तुहाडियां बॉल दे उपर आनगियां, पेट कुटोगे ते हिप्स कुट के गोडियां नूं मोड़ के बॉल नूं अपने वल लैना है। ठीक है, गोडे मोड़ो, बॉल नूं आ लैन दो, ना 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 अड्डी नहीं चकनी, हाँ जी ठीक है, 1 2 3 कुछ सेकंड रोक के कुछ सेकंड बाद तुसी इनू छड़ देना है। इतों शुरू करना है तुसी, अड्डियाँ इतने रखनी है, गोडे मोड़ने हैं, अपने वल लेना है, कुछ सेकंड रोकोगे फिर इंज ही तुसी सीधा छड़ देना है। ठीक है, तो ये चार एक्सरसाइज है तुसी अपनी बैक दे दर्द वास्ते करनी, कमर दर्द वास्ते।
एक तो स्ट्रेच मैं बैक वास्ते होर सिखा रही हूँ जो खड़े होकर करना है एंज तुम दीवार के नाल खड़े होना है पैर थले एक छोटा टावल का रोल बना के रखना है तो उस पर पंजा रखना है तो तुम अगे झुकना है बेंड करो गोडा मोड़ो गोडा मोड़ के तुम दीवार वल जाना है बैक न सीधे रखना है तो तुहानू पिछे अपनी लत के पिछे इस थान पर खिच महसूस होएगी इतने खिच महसूस होनी है तुहानू दिस पार्ट ऑफ योर लेग ओके तुहानू इतने खिच महसूस हो रही है अगे जाओ गोडा मोड़ो होर मोड़ो गोडा मोड़ो खिच पई कुछ सैकेंड तुम इतने रोक के तो फिर टिला छड़ के वापस आ जाओगे दैट्स इट सीगियाँ कुछ एक्सरसाइजेज जो लोग की एट होम कर सकते हैं बट वंस अगैन जिस तरह व्यूअर्स देख रहे थे ये क्लीनिक टीम मैंबरस जो सारी लैंग्वेज बोलते हैं जो साड़ी कम्यूनिटी न जरूरत है यू नो कभी कभी जो फिजिकल थैरेपी की गल आती है डॉक्टर यू नो लोग उस चीज़ तो थोड़ा डर के पिछे हो जाते हैं कुछ तुम्हें एक्सप्लेन करना पैदा है कभी कभी इंग्लिश में प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर सकते बट थोड़े क्लीनिक भावे हिंदी हो पंजाबी हो ये सारी थोड़ी टीम मैंबर बोलते हैं तो पेशेंट्स के नाल मतलब कंफर्टेबली कम्युनिकेट करते हैं Right, you are absolutely right. We speak Punjabi and Hindi, Gujarati, Bangla. So yeah, we are proud of our staff. जी डॉक्टर नीलेश सोनी थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इस तरह तुहाडे नाल अगले हफ्ते मिलांगे तो मैं व्यूअर्स एक बार फिर याद दिलाना चाहती हूँ डॉक्टर सोनी दे क्लिनिक्स जो फिजिकल थैरेपी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वक् वक् लोकेशंस न्यूयॉर्क दे विच ओपन हन तुसी अपॉइंटमेंट दे नाल क्लिनिक्स विच भी जा सकते हो इन्हां नूं फोन ते भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो इनफॉर्मेशन स्क्रीन ते लिखी हुई है डॉक्टर सोनी सी यू नैक्सट वीक हैव अ गुड रेस्ट ऑफ यू वीक सत श्री अकाल व्यूअर्स तुसी कोई साढ़े लिए क्वेश्चन इस प्रोग्राम इस टॉपिक नूं लैके तुसी सानूं भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो इनफो एट जस्ट broadcasting.com ashmita@justbroadcasting.com hun menu deo ijazat sat sri akal